मैं यिल्दिज। मुझे नहीं लगता दुआन ने मेरे बारे में बताया होगा। मैं दुआन की बीवी रह चुकी हूँ और दोबारा शादी करने वाली हूँ। मुझे मालूम नहीं था, वो बस आने ही वाले हैं, कॉल पे बात हुई थी। तो दिन में कितनी दफा बात करते हो तुम लोग, और वो यहाँ भी आता है, कितनी अच्छी बात है। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं वाकई को समझ नहीं पा रही हूँ। देखो, तुम जिससे ताल्लुक रख रही हो उसकी मुझसे शादी होने वाली है। क्या? जूलिया भाग गई है जेल से। क्या? मैं आपको बस बताना ही वाला था, ये मतीन को फोन पे बात करते सुना था मैंने। उन दोनों के एक्सीडेंट की वजह से आपको बता नहीं सका ये बात। ये सच है ना? झूठ तो नहीं कह रहे? मगर वो तो लॉकअप में थी ना, फिर कैसे भाग गई? अगर वो इतनी आसानी से वहाँ से निकल सकती है तो इसका मतलब है कि कोई है जो उसकी मदद कर रहा है। यिल्दिज, ये सब मैं जानता हूँ, मगर इस वक्त वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। क्या तुम्हें यकीन है दुआन? जरूर उसकी कोई मदद कर रहा है जो बहुत ताकतवर है और कुछ भी कर सकता है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, इस बात का पता मैं लगा लूंगा। अब जूलिया हमारे करीब भी नहीं आ सकती। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया हो उसे अब किसका डर होगा? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उस दुआन ने जो कुछ मेरे साथ किया उसे उसका हिसाब चुकाना होगा। जिस तरह मैंने अपने भाई को खोया तो उसे भी किसी करीबी को खोना होगा, और जब तक उसको उसके किए की सजा नहीं मिल जाती मुझे आराम नहीं मिलेगा। जिस दिन यहाँ से निकलूंगी मैं वो दिन उसकी बर्बादी का दिन होगा। कोमल, सामने देखो।